हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज बहुत दिन बाद एक हेयर केयर प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अमेजिंग होने वाली है विद द बेनिफिट ऑफ बनाना। और ये है एक कंडीशनर फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स। और होता है ना ऐसे कि अगर आपके हेयर बहुत अच्छे दिखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि कैसे ये अच्छे हो गए हैं। फ्रिजीनेस बढ़ जाते हैं, ऊपर से मॉनसून भी कमिंग सून, तो इसीलिए हेयर के फ्रिजीनेस को कंट्रोल में रखने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल में रखने के लिए, डैमेज रफ डल ड्राई हेयर को दूर रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो मेरे हाथ में लगा ये गुड वाइब्स के बनाना कंडीशनर, जो कि मैं कोई भी शैम्पू के साथ यूज कर सकती हूँ। तो चलो इसके मैं अभी डिटेल बताऊंगी, डेमो दिखाऊंगी और आफ्टर यूज रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ये है गुड वाइब्स के शाइन कंडीशनर विथ बनाना। इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है, सल्फेट फ्री नहीं है, 100% वेगन प्रोडक्ट से ये बने हुए है। पैकेजिंग थोड़ा सा इसके चेंज हुआ है, पहले कुछ और था अभी कुछ और हुए है। पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, अब जरूर से इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंग्रेडिएंट्स सबको सूट नहीं करते हैं। इसके प्राइस यानी कि MRP है 305 पर purple.com पे। हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर सेल चलते रहते हैं तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट में ये मिल जाएंगे। ये सिर्फ शाइन ही नहीं ऐड करता है, इसको यूज करने के बाद हेयर बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूथ भी हो जाते हैं। पहले मैं शैम्पू कर लेती हूँ, मैं कोई भी शैम्पू के साथ इसको यूज करती हूँ, आप भी वही कर सकते हो। अभी मैं ये कंडीशनर ले रही हूँ जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए, जैसे कि मेरे हेयर लेंथ ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। एकदम ही बनाना के खुशबू है, फ्लेवर एकदम बनाना जैसे कि घोल के मैंने लगाए है। लेंथ वाइज मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रही हूँ, ना कि स्कैल्प पे यूज़ करना है। कोई भी कंडीशनर कभी भी स्कैल्प पर यूज़ मत करना, हर एक हेयर पे लगना चाहिए। मैं मिड पोर्शन से एकदम ही लेंथ तक इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसको अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट इसको छोड़ के रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। मैं जो क्लिप अभी आपको दिखा रही हूँ वो 2-3 दिन बाद है जब मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। पहले ये होते थे कि जब मैं 2-3 दिन हेयर वॉश नहीं करती थी, हेयर एकदम फ्रीजी ऑयली अनमैनेजेबल ड्राई डैमेज लगते थे। बट आप मेरे हेयर देखो, ये 2-3 दिन बाद मेरे हेयर है और एकदम ही लग रहा है कि मैं अभी अभी कैरेटिन करके आई हूँ। मुझे तो ये शैम्पू बहुत पसंद आए, अब जरूर एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।